आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। कॉन्टिंजेंट का मतलब है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। और देखो, अभी हमने सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ा, जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। और वेस्टेड इंटरेस्ट में हमने ये समझा कि जो कंडीशन होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, राइट। जबकि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट अनसर्टेन इवेंट के बारे में बात करता है। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट को समझे तो हम ये कह सकते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का क्रिएशन दो कंडीशन में हो सकता है। अब क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, तो या तो अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद या अनसर्टेन इवेंट के हैपन नहीं होने के बाद, यानी कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इधर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ऑलराइट, अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं बेयर हमारा क्या कहता है। बेयर कहता है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट होता है, टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन, और वो इफेक्ट में कब आएगा। इसमें पहला कहता है इधर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद ये इफेक्ट में आएगा, या नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के नॉन हैपनिंग के बाद ये इफेक्ट में आएगा। अब अगर मान लो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गया, तो ये जो आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। और दूसरे सिचुएशन में अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन नहीं हुआ तो भी ये जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, इसने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा यदि जो हमारा इंडिया है वो आने वाले वर्ल्ड कप मैच में जीत जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ए ने ये कंडीशन इंपोज किया, बी का जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो गया और ये टोटली बेस्ड है अनसर्टेन इवेंट पे, क्योंकि इंडिया मैच जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती है, क्लियर, ओके। लेकिन अब कंडीशन क्या था, कंडीशन था अगर इंडिया मैच जीतती है तो ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अब मान लो इंडिया मैच जीत जाता है तो बी का जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, ऑलराइट, ओके। अब एक और सिचुएशन हम लेते हैं। मान लो ए ने बी से ये शर्त लगाया कि अगर आने वाले एक घंटे के बीच में, आने वाले एक घंटे के अंदर अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे। और मान लो आने वाले एक घंटे के अंदर अंदर बारिश नहीं हुई ऑन द हैपनिंग ऑफ
और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, बारिश हुई नहीं, तो बी क्या है, बी इज बाउंड टू गिव 1000 rupees टू ए। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जो ए का कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट था क्योंकि वो बेस था ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, आई होप ये कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो। ऑलराइट, देखो पहला कह रहा है वेयर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो मान लो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या था, वो बेस था ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, और वो इवेंट हैपन हो जा रहा है, तब कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। दूसरा, वेयर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, तो ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में बात किया। तीसरा, वेयर क्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, जहां पे जो क्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ टू ऑप्शनल कंडीशंस। देखो कह रहा है कि जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट का क्रिएशन है वो दो ऑप्शनल कंडीशन पे बेस्ड है, कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, वेयर क्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ टू ऑप्शनल कंडीशंस और हैपनिंग ऑफ आइदर ऑफ द कंडीशंस, तो दोनों में से अगर कोई एक हो गया तो भी जो कॉन्टिजेंट है इट विल कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट। राइट, तो ये था पूरा आपका कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, यानी कहने की बात यह है कि एक तरफ जहां वेस्टेड इंटरेस्ट स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, वही कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। ऑलराइट, अब इसका एक्सेप्शन क्या है, देखो कह रहा है वेयर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। अब इसमें कह रहा है कि मान लो एक जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, और कंडीशन ये है कि जब वो एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेगा तभी ये प्रॉपर्टी उसे जाएगी। अब ये पर्टिकुलर एज कुछ भी हो सकता है, 20, 21, 25, तो यानी एक पर्टिकुलर एज अटेन होने के बाद ही ट्रांसफरी के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा, और जब तक वो उस पर्टिकुलर एज को अटेन नहीं कर देता है तब तक इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होगा वो उसके बेनिफिट के लिए यूज होगा, या ट्रांसफरी के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी से जनरेट किए गए सभी इनकम को अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा। अपने उस पर्टिकुलर एज को अटेन करने से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि जब वो अटेन कर लेगा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, पोजीशन उसके पास आएगा, ओनरशिप उसके पास आएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी कंडीशन वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएंगे, ना कि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। यानी सिंपल वर्ड्स में इसका एक्सेप्शन यही है कि जब प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर एज के बाद ट्रांसफर की जाती है और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होता है ट्रांसफरर उन सभी इनकम को ट्रांसफरी को देता है उसके बेनिफिट के लिए, जब तक वो उस पर्टिकुलर एज को अटेन नहीं कर लेता है, और साथ ही साथ ट्रांसफरी के पास पूरा राइट्स होता है कि बिफोर अटेनिंग द पर्टिकुलर एज उसके पास पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी से जनरेट किए गए सभी इनकम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे सभी सिचुएशंस क्या होते हैं,
वेस्टेड इंटरेस्ट के कैटेगरी में आएंगे, ना कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के। ऑलराइट, ओके। तो आई होप कि अगर एग्जाम में कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट आता है तो आप इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। तो इस छोटे से वीडियो में आई होप कि आपको कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।